नमस्ते बच्चों, आज हम कबीर दास जी की साखियों का शेष भाग पढ़ेंगे। साखियाँ। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, दुहु के निकटी न जाई। हिंदू, हिंदू जो समाज के लोग हैं वो कहते हैं मुआ। मुआ का मीन्स होता है मरा हुआ। राम कही, मुसलमान खुदाई, और जो मुसलमान समाज के लोग हैं वो कहते हैं खुदा। कहे कबीर सो जीवता, यानी कबीर दास जी कहते हैं कि जो जीवता यानी जीवित मनुष्य है, दुहु, दुहु का मतलब होता है दोनों, के निकटी, निकटी यानी पास में, न जाई नहीं जाता है। अर्थात कबीर दास जी के कहने का भाव यहाँ पे यह है कि हिंदू राम राम का भजन और मुसलमान खुदा खुदा कहते मर जाते हैं, उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। असल में वह व्यक्ति ही जीवित के समान है जो इन दोनों ही बातों से अपने आप को अलग करता है। हमारा आगे का जो दोहा है वो इस प्रकार है, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठे कबीरा जी। इसमें कबीर दास जी कहते हैं कि आप या तो काबा जाएं या काशी, राम भजे या रहीम, दोनों का अर्थ समान ही है। जिस प्रकार गेहूं को पीसने से वह आटा बन जाता है तथा बारीक पीसने से मैदा, परंतु दोनों ही खाने के प्रयोग में ही लाए जाते हैं, इसलिए दोनों ही अर्थों में आप प्रभु के दर्शन करेंगे। हमारा जो आगे का दोहा है वो इस प्रकार है, ऊंचे कुल का जनमिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सूरा भरा, साधु निंदा सोई। अर्थात यहाँ पे कबीर दास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जनमिया, जनमिया का मीन्स होता है जन्म लेने वाला, करनी, करनी का मीन्स करने वाला, ऊंच न होई, कार्य को करने वाला, सुबरन, सुबरन यानी सोने के समान, कलश, सूरा, सूरा का मतलब होता है शराब, साधु निंदा सोई, साधु यानी संत। अब कबीर दास जी यहाँ पे ये कहते हैं कि केवल उच्च कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, उसके कर्म ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर वह व्यक्ति बुरे कार्य करता है तो उसका कुल अनदेखा कर दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार जिस तरह सोने के कलश में रखी शराब भी शराब ही कहलाती है। धन्यवाद।